है गिलेटा टावर वन एंड फेमस वन ओल्ड वन आई थिंक 1653 से। ये सीट मिली है, अभी मेरी मंगाते हैं और देखते हैं क्या। गिलेटा टावर आप देख रहे हैं, कितना प्यारा आर्किटेक्ट है इसका, आर्किटेक्चर देख रहे हैं कितना खूबसूरत, और जाते हुए ना पूरे राउंड है, आपको पूरा वॉक करके जाना पड़ता है। ये एक स्विंग राइड सी बनी हुई है, यहाँ पे बैठ के आप लोग पिक्चर ले सकते हैं। Buy a good pair of sneakers, shoes or whatever give you a comfort. Hello guys, welcome to my channel. So अल्लाह के हुक्म के साथ आज का करते हैं व्लॉग शुरू, और आज का ये है कि मैं निकल रहा हूँ, अभी मैं रेडी हो गया हूँ, रूम से बाहर निकल रहा हूँ, और आज आपको दिखाते हैं जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अलावा रूम थोड़ा ज़रा मैसी हुआ हुआ है, बाय द वे आई डिडंट नो कि मैंने आपको बताया कि नहीं, यहाँ पे रूम्स जो हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं जैसे यूरोप में होते हैं, तो बी केयरफुल लाइक दिस पार्ट के, मतलब यहाँ पे जो है ना रूम ऐसे ज़्यादा जगह वाले नहीं होते, तो आपको जितने भी रूम मिलेंगे लाइक स्मॉल साइज, आई मीन मे बी मुझे एग्जैक्टली डायमेंशन तो नहीं पता, बट अगर आपने बड़ा साइज़ लेना है तो आपको स्वीट बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वीट है जो मैंने आपको दिखाया। अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पे तो आप पिछली वीडियो जाके देखेंगे, मैंने रूम टूर की भी डाली है, इसकी स्वीट टूर की जो है वीडियो, तो देखें किस तरह होते हैं यहाँ पे रूम्स। और जो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है वो कि मतलब मुस्लिम शावर्स तो नहीं, उसके रिप्लेस में वो क्या कहते हैं उसे, बैदन शावर और समथिंग, वो अवेलेबल है, विच इज़ गुड अगर आप यू आर कमिंग फ्राम मिडल ईस्ट कंट्री और दिस और या मुस्लिम्स हैं। टॉकिंग ऑफ स्पेशियस रूम, जैसा मैं बता रहा हूँ तो स्पेशियस रूम का ये है कि ये बेड है, थोड़ा मैसी होगा, सॉरी फॉर इट, और ये देखें ये एक थोड़ा सा रोज है, ज़्यादा बड़ा स्वीट सा नहीं है, बट रीजनेबल। एक थोड़ी सी किचन के लिए उन्होंने दिया हुआ है, दिस इज द सिटिंग सोफा, ये मेरा लगेज पड़ा हुआ है, ये विंडोज हैं, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ये टीवी की भी है, और आयरन स्टैंड है, दिस इज़ व्हाट आई मीन स्पेशियस से मुराद ये। ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, बाकी ये दिखाते हैं आपको इस मॉल का, मे भी कुछ पसंद आ जाए। साथ शॉपिंग भी होती रहती है। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा व्यू है, यहाँ पे बिल्डिंग जो है ज़्यादातर ओल्ड है काफ़ी, और ये सारा जो है ना वन वे हुआ हुआ, आई मीन यू कांट कम इन एवरी डायरेक्शन इन दिस रोड। और अभी हम लोगों का प्लान है लेवेंडर कैफे में ब्रेकफास्ट का, या ये अरादा बैरूट में जिसमें लास्ट टाइम किया था, सो देखते हैं किसका मेन्यू अच्छा है। और ये क्लोज टू गिलेटा टावर है, ये देखें, एक ये है एक ये है, आई मीन अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे इट्स लाइक अ प्लेस टू टेक अ सेल्फी और पिक्चर, इट्स क्वाइट नाइस। ये एक स्विंग राइड सी बनी हुई है, यहाँ पे बैठ के आप लोग पिक्चर ले सकते हैं, और वो देखें सब आ रहे हैं यहाँ पे, और ये बता लेवेंडर कैफे के बाहर ये थोड़ा सा जरा इस तरफ भी बैठने का है छोटा सा सीटिंग। उन दो का मेन्यू मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, तो अब ये देखते हैं, देखें इसका भी एम्बियंस अच्छा सा है, देखते हैं इधर क्या ब्रेकफास्ट में सर्विंग हो रही है, जो हमें चाहिए था वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट में अवेलेबल है।
सीट मिली है, अभी मेन्यू मंगाते हैं और देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। गाइस हमने ऑर्डर कर दिया है एक तुर्किश ब्रेकफास्ट और डिफरेंट चीज़ें की हैं, आती हैं तो आपको दिखाते हैं। ठंड बहुत हो रही है और ये एम्बियंस चेक करें कितना प्यारा है। तुर्किश स्टाइल देखें, लैंप्स देखें, क्यूट, नाइस। तो मज़े की बात ये यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है, तो मैं तो ऐसे ही रेस्टोरेंट पे बैठना पसंद करता हूँ जहाँ फ्री वाईफाई हो, क्योंकि डेटा मेरे पास लिमिटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट हो गया है, मज़ा आ गया काफ़ी तुर्किश रेस्टोरेंट्स में खा के, और अब निकलते हैं आगे ग्लाइडर टावर की तरफ, वहाँ पे देखते हैं यही लाइफ है। ये है ग्लाइडर टावर वन एंड फेमस वन, ओल्ड वन, आई थिंक 1653 से। Such a wonderful experience to go up there. और इसके टिकट लाइक आई थिंक 70 और 80 तक तुर्किश लीरा की थी जो हमने बाय की थी, और बहुत अच्छा व्यू था। आप दूसरे व्लॉग्स में देखेंगे मेरी वीडियो जो आएगी ग्लाइडर टावर की, अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने अपलोड कर दी होगी अब तक, जब तक आप लोग देख रहे होंगे। प्यारा आर्किटेक्ट है इसका, आर्किटेक्चर देख रहे हैं कितना खूबसूरत, और जाते हुए ना पूरे राउंड है, आपको पूरा वॉक करके जाना पड़ता है ऊपर तक, और इसके सराउंडिंग लोग आए हैं, जगह जगह से टूरिस्ट आए हैं, सब डेस्टिनेशन एंजॉय कर रहे हैं। वेदर अच्छा हो तो मज़ा ही आता है। हाइट और ये सारा जो है ना हिली एरिया में, देख रहे हैं आप कितनी चढ़ाई होकर, अगेन बाय अ गुड पेयर ऑफ स्नीकर्स, शूज और वट एवर गिव यू अ कम्फर्ट। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे मिलते हैं।